पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मलिक का कहना है, एक शख्स जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा हो, एक शख्स जो आइन को जानने का दावेदार हो, वो फिर इस तरह के गैर मियारी और नामुनासिब बयान दे तो हैरत होती है। लेकिन पीटीआई की अभी किसी भी हरकत से हैरत नहीं हो रही, क्योंकि कल जो नेशनल असेंबली में हुआ वो काबिले मुजम्मत है। रुख करते हैं बराह रास्त पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मलिक मीडिया से गुफ्तगु कर रही है। जो गुफ्तगू नहीं करना जानते, लेकिन एक शख्स जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा हो, एक शख्स जो आईन को जानने का दावेदार हो, वो फिर इस तरह के गैर मियारी और नामुनासिब बयान दे तो हैरत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, पीटीआई की अभी किसी भी हरकत से हैरत नहीं हो रही है, क्योंकि कल जो नेशनल असेंबली में हुआ वो काबिले मजम्मत है। 80 पॉइंट एजेंडा वहाँ रखा गया, वहाँ मुतद्दद बिल्स लाए गए, और उस बिल्स को जिस तरीके से पास कराया गया वो पूरी प्रोसीडिंग गैर आइनी और गैर कानूनी थी। ऐसे बिल भी लाए गए जो अभी तक कमेटी में पड़े हैं, कमेटी ने फैसला नहीं दिया। मैरीटाइम का बिल डिफर हुआ था, जो पावर कमेटी का नेपरा का बिल था वो आईएमएफ की डिक्टेशन थी। और अगर आपको मैं इसमें भी बता दूं उन्होंने क्या किया, मेरे पास वो बिल भी है। और पावर कमेटी की कल 2 बजे मीटिंग थी, पावर कमेटी की 2 बजे की मीटिंग में एजेंडा पे वो बिल था, और क्योंकि जो वजीर मौसूफ है वो 2 कमेटीज़ में नहीं आए, 2 मीटिंग्स में, तो लिहाजा मेंबरान ने ये एतराज़ किया कि हम गवर्नमेंट का कोई बिल नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम लोड शेडिंग डिस्कस करेंगे। तो वो 2 बिल्स थे जो एजेंडा पे आए और वो पड़े रहे, उनका कोई फैसला नहीं हुआ। हम देखते हैं कि एजेंडा पर वो बिल मौजूद है, शायद इनको लगा कि वहाँ से ये ज़बरदस्ती से पास करा लेंगे, लेकिन पता इनको भी नहीं था कि गवर्नमेंट के अपने मेंबर्स लोड शेडिंग पर वहाँ पे एहतजाज करेंगे, तो वो इनकी प्लानिंग गलत हो गई। लेकिन एक्सपोज ये इसी तरह हुए कि इन्होंने वहाँ पहले ही बिल रखा हुआ था, और प्लानिंग ये थी कि 2 बजे पावर की मीटिंग, 4 बजे सेशन, वहाँ से बिल नहीं हुआ। बावजूद इसके ये बिल आया भी, मतलब एजेंडा पे था, तो और हमाद अजहर साहब ने इस बिल को पास करवाया ज़बरदस्ती। अगेन ये गैर आइनी कदम था, आपकी जो ये रूल्स है इसके बिल्कुल खिलाफ था। मैंने इस पर शोर भी किया। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें क्या न्यूज़ लाइव।